आयुर्वेद के इस मंत्र का तात्पर्य है हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आए। आज जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय शिक्षा मंत्री आदरणीय सुभाष जी, हमारे मंच पर विराजित इस विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय अनुला मौर्या जी, मंच पर विद्यमान कुल सचिव ज्योति भारद्वाज जी, यहाँ जिनको मानद उपाधि दी गई है, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषयों में विशिष्ट, अगर मैं कहूं कि योग्यता रखने वाले, ऐसे मैं मनीषी गढ़ ही कहूंगा, डॉक्टर करण सिंह जी नहीं है, नहीं तो भी उनका स्मरण करना आवश्यक है। और आदरणीय गुलाब कोठारी जी, जिनके बारे में अभी सुभाष जी ने बताया, सब अच्छी जानते हैं। और कलानाथ जी शास्त्री का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, ये संस्कृत में भी अंग्रेजी में भी विशेष योग्यता रखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में पुस्तकें या अंग्रेजी में कविताएं, मैंने कविता जिसको कहते हैं, जो भी उन्होंने लिखा है वेद से अनुप्राणित है, विशेष प्रकार का ज्ञान है, ऐसे मनीषी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय अनुराग पाठक जी, इनकी विद्वता का एहसास सामान्य जन भी जहां भी जाते हैं लोग करते हैं, ऐसा लगता है कि सरस्वती विराजित है। ऐसे अनुराग पाठक जी चारों हमारे मनीषी लोग हैं, और इनको वाम और यहाँ सिंडिकेट और काउंसिल और कुलपति सब लोगों ने मिलकर के जो इनको मानद उपाधि दी है, मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ और इन मनीषियों को इनका मैं अभिनंदन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सिंडिकेट व विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, शिक्षकगण और प्रदेश सरकार की प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग की आई हुई यहाँ हैं, और भी अधिकारीगण हैं, सभी महानुभाव विद्यार्थीगण, और जिन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की है, चाहे गोल्ड मेडल हो और चाहे पीएचडी, जिन्होंने वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है, ऐसे सभी बंधुगण, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं उन उपाधि धारक बंधुओं को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने विशेष अध्ययन के माध्यम से यह योग्यता प्राप्त की है, यह उपाधि प्राप्त की है। मैंने शोधार्थियों से उनको जो सर्टिफिकेट दे रहा था मैं, तो उनसे कहा कि भाई आप शोधार्थी हो और संस्कृत एक ऐसी भाषा है और संस्कृत का ऐसा ही विशाल स्वरूप है, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, ये सारे क्षेत्रों में संस्कृत के माध्यम से पूरे दुनिया के अंदर जो भी पर्यावरण संबंधित, विज्ञान संबंधित सारी चीजें आ रही हैं, उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में रख सकते हैं, शोध इस पर होना चाहिए। आज जो वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, मैं कह सकता हूं कि सब उसका मूल सूत्र, मूल तत्व संस्कृत में विद्यमान है, वेद में विद्यमान है, वेद और विज्ञान
इस पर कुछ पुस्तकें मनुष्यों ने लिखी और उसको अध्ययन करने के बाद ये लगता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व जो बहुत शक्तिशाली हो सकता है अणु, वो उसके अंदर भी दिमाग जिसे बम बनाती है, अत्यधिक ऊर्जा का समायोजन, अत्यधिक ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान है, उसे कैसे उपयोग किया जाए, विधियां भी ये सारी सारा वर्णन है। और इसलिए मैं शोधार्थियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक ध्यान लगाते हुए इन सारी चीजों को इनका अध्ययन करें और उनको निकालें, निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करें, नई चीजें। इसी बार नवाचार भी कह सकते हैं, इसी बार इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर आज सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। आप तो संस्कृत के जानकार हैं, संस्कृत का जानकार ही इन सारी चीजों का शोध कर सकता है। मैं स्कूलर आया था तो पहले उसने संस्कृत पढ़ा था और संस्कृत पढ़ करके फिर भी तुम करते उसमें से कुछ चीजें निकालने का प्रयास किया। और इसलिए जो भी विद्वान रहे हैं दुनिया में, उनको लगता है कि हिंदुस्तान गुरु स्थान पर प्रतिष्ठित है, तो क्यों प्रतिष्ठित है, क्या वैशिष्ट है, तो उसने पहले साहित्य को देखने का प्रयास किया और साहित्य में संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य को देखने के पश्चात उसको पढ़ने के बाद तो लगा कि ये ज्ञान का भंडार है। और इसीलिए इसीलिए संस्कृत भाषा उसको महत्व दिया जाता है, उसकी जानकारी। अंग्रेजों ने तो योजनाबद्ध तरीके से संस्कृत साहित्य को नष्ट करने का प्रयास किया, योजनाबद्ध तरीके से कॉपीराइट शब्द अपुंजक का जो सारा संस्कृत में साहित्य था सारे साहित्य को नष्ट किया, आप आश्चर्य करेंगे इस बात, सारे साहित्य जो उसमें आज वर्तमान में जो भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं इसमें चल रही है, क्योंकि चाणक्य के द्वारा लिखित साहित्य सर्वकालिक था, जो एक काल था सर्वकालिक, चाहे लोकतंत्र की बात हो, चाहे समाजतंत्र की बात हो, चाहे ये जाति व्यवस्था की बात करें, उसके अंतर्गत किसको किस प्रकार की कर्तव्य करना चाहिए ये सारी बातें हो, चाहे अर्थशास्त्र का सवाल हो, किसानों का प्रश्न हो, ये सारा उनके साहित्य के अंदर वर्णित है। उनको लगा कि अगर ये साहित्य बना रहा तो हिंदुस्तान को हम गुलाम नहीं रख सकते। इन प्रकार के साहित्य को चलाने का प्रयास किया था, जो भी साहित्य हमें उपलब्ध है निश्चित रूप से उसका प्रभाव तौर पर अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत भाषा भारतीयों की प्राणभूत भाषा है, इसे मनन चिंतन गवेषण अनुभूति संबंधित है, अनादिकाल से इसकी धारा अक्षुण रूप से प्रवाहित हो रही है। संस्कृत को देवभाषा देववाणी नामों से जाना जाता है, विद्वांसों में देवा, विद्वांसो वैदेवाह अर्थात विद्वानों को देवतुल्य माना गया है, इस आधार पर ही संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। भारतवर्ष का समस्त ज्ञान भंडार संस्कृत में निहित है, वेद पुराण परिषद इत्यादि संस्कृत भाषा में, संहिताएं स्मृतियां जितने भी ये सब संस्कृत भाषा में, और संहिताएं स्मृतियां युगानुरूप बनी है। अगर पे ये कहे कि ये मनुस्मृति है और पढ़ा समय कहा गया था कि ये शूद्र अगर वेद सुनता है तो उसे काम में ये विरोध देना चाहिए तो उस समय वहां होगा, लेकिन उसी मनुस्मृति में जैसे संविधान का संशोधन होता है संशोधित रूप में आया कि नहीं, जो ब्राह्मण या जो पंडित पंडित होगा ज्ञानी होगा लेकिन आचरण और व्यवहार निम्न स्तर का है, आचरण और व्यवहार चरित्रहीन का है, आचरण और व्यवहार चंडाल का है, तो न तो वेद ज्ञानी कहा जाएगा न पंडित कहा जाएगा, उसी को चंडाल के रूप में प्रस्तुत किया जाए, यह है मनुस्मृति में, यह है संहिताओं में,
समय समय में सभ्यता बनती, युगानुरूप बदलते हुए सामाजिक परिवेश में समाज को चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है उसको उसमें समावेश किया गया है। और उसने धर्म का जो आध्यात्मिक स्वरूप था उसको बाद में नैतिकता का स्वरूप माना गया। मनुष्य में वर्णित धर्म के 10 लक्षणों को व्यक्ति के अंदर के शाश्वत प्रवृत्ति को दर्शाते हुए उन लक्षणों को अगर मानव कोई नैतिकता है, सत्य बोलो, क्रोध मत करो, अहिंसा का पालन करो, इंद्रिय नियंत्रण करो, लोभ पर सारी प्रवृत्तियों पर उसको नियंत्रण रखो, ये सारी चीजें हैं, विद्यमान करो, ये सारी चीजें हैं। अगर इसको मनुष्य अपने आचरण व्यवहार में लाकर समाज के अंदर चलता है तो समाज नियंत्रित होता है। इसको अगर हम कहें आत्मानुशासन कहें तो शक्ति नहीं होती, स्वयं के द्वारा अनुशासन, सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन, ये सेल्फ इंपोज्ड डिसिप्लिन इससे आता है। और इसलिए उस आधार पर धर्म को लेकर पुरुष काल में समाज को चलाया गया था, उसमें हर प्रकार की बढ़ोतरी सुनिश्चित थी। ये सारी चीजें हमें इन सारे वेद से, उपनिषद से, पुराण से उसके निचोड़ के रूप में प्राप्त होती है। संस्कृत के स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधिधारक शिक्षा जगत में लगातार पढ़ रहे, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। गुरु जैसा होता है शिष्य भी वैसा ही बनता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए गुरु को निरंतर अध्ययनशील बनना चाहिए ताकि छात्र और छात्राएं भी निरंतर अध्ययनशील रहे, राष्ट्र और समाज की अभिवृद्धि एवं विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आप सभी तत्पर रहे। शिवाजी जी ने बहुत अच्छी बात की हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि यहाँ विश्वविद्यालय में ऐसी भी चीज पढ़ाई जानी चाहिए जो यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी को रोजगार भी उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय में अपने ही वेद भंडार से ज्ञान प्राप्त करते हुए, ज्ञान भंडार है उसे प्राप्त करते हुए उसको आज के परिवेश में रोजगार परक कैसे बनाया जाए ये भी शिक्षा देना, इस तरह से ले जाना आवश्यक है। ये अच्छा है आयुर्वेद वेद, आयुर्वेद योग, आयुष को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये आयुष को बढ़ावा देना रोजगार परक है। इस समय वेद ज्ञान का उपलब्धि कर्मकांड के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना ये भी रोजगार को, तो इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी है। संस्कृत के स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधिधारक शिक्षा जगत में लगातार पढ़ रहे, संस्कृत साहित्य में ज्ञान का विपुल भंडार है, अतः इसमें निहित अमूल्य ज्ञान रत्नों का अन्वेषण कर आप एक नई दृष्टि से समाज को दिशा प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में प्रचलित गणित, पर्यावरण, यंत्र विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र विद्या, कृषि, वाणिज्य विषयों पर भी इस भाषा में साहित्य विद्यमान है। आचार्य यास के निरुक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार संस्कृत भाषा आम जन के व्यवहार की भाषा थी। यह विश्वविद्यालय उसी पुरातन संस्कृत भाषा में लिखित उन ज्ञान रश्मियों को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास करे जिससे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक व आज भौतिक तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति विकास कर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, मैं तो कहता हूँ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से युक्त होकर जन कल्याण में भागीदार बन सके। विश्वविद्यालय में स्थित ग्रंथालय और अनुसंधान केंद्र को समृद्ध बनाया जाए, देश विदेश की से शोधार्थी यहाँ आकर अनुसंधान कर सके, ऐसा वातावरण हमें बनाना होगा। इससे संस्था का गौरव और यश
समस्त दिशाओं में व्याप्त हो सकेगा। प्रिय सनातन बंधुओं, मैं दीक्षांत समारोह में देश के अभ्युदय एवं राष्ट्रवाद के विकास के लिए आप सभी का आह्वान करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वजन का अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय से संस्कृत के साथ सब सामयिक विषयों पर भी अनुसंधान एवं समाजोपयोगी प्रकाशन और शोध की आशा करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि विद्यार्थी गुरु के ज्ञान का कुछ अंश ही प्राप्त करता है, कुछ अंश अपने मेधा से तथा कुछ अंश वह अपने सहपाठियों के संवाद से प्राप्त करता है और शेष समय अनुसार अपने अनुभव से प्राप्त करता है। आपने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है यह एक आरंभिक आधार बोध है। आशा करता हूँ कि इस दीक्षा से आप जीवन में निरंतर उन्नत कर देश और समाज की सेवा करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपका आह्वान करता हूँ कि आप संस्कृत निष्ठ संस्कार युक्त ज्ञान की अदृश्य धारा से सामान्य जन को अभिप्रेरित करें। संस्कृत के पावन एवं लोक कल्याण के संदेश द्वारा लोकहित का आश्रण करें। आप संस्कृत में निहित ज्ञान एवं विज्ञान से राष्ट्र को समृद्ध करें। आपकी वाणी मधुर बने, आपका ज्ञान तेजस्वी हो, जीवन का कठिन मार्ग भी आप सभी के लिए सरल एवं सहज बने। आपकी विद्या आपके जीवन में सभी प्रकार का अभ्युदय करे। आप सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए ऐसा मेरा आशीर्वाद है। यह विश्वविद्यालय एक गुरुकुल जैसा है। इसके निर्माण की पृष्ठभूमि में पद्मश्री नारायण जी महाराज की सुंदर परिकल्पनाएं हैं। यह संस्थान संस्कृत के क्षेत्र में प्राचीन भारत के तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय जैसी ख्याति प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। इन भावनाओं की क्रियान्वित के लिए आप सभी समभाव से विश्वविद्यालय के लिए सदैव प्रयत्नशील बने। मित्रों, 26 नवंबर को पूरे देश में 17वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूं कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, हमारा मूल ग्रंथ है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। मैंने वाचन कराया, इस बार में लिखा होगा। संविधान के हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तंभ है। मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्तव्य को जानें, समझें और उनके अनुरूप भी अपना कार्य और व्यवहार करें। आप लोग युवा हैं, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने और स्वयं के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। आम जन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता के लिए मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाए। हमने आग्रह किया है देश की युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाना आवश्यक है। इसीलिए छोटी छोटी गोष्ठियां विद्यार्थियों के द्वारा उसको बताना, इसके लिए इस प्रकार के पार्लियामेंट भी आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है। मूल कर्तव्य हमारा क्या है, संविधान प्रदत्त अभी जो वादन किया, अगर इसकी जानकारी लोगों को हो जाए तो अपने आचरण व्यवहार के बारे में हमारे यहाँ के लोगों को इसी प्रकार की कठिनाई नहीं जा सकती है और हर काम करते समय उनको रहेगा कि हमारे जो कर्तव्य है संविधान के द्वारा प्रदत्त कर्तव्य को हम व्यवहार में चरितार्थ कर रहे हैं, ये स्वरूप निर्माण है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है आप जनता को बताना। संविधान के अनुच्छेद 51 पर विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां और सेमिनार आयोजित की जाए। विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। विद्यार्थी और शोधार्थी जिम्मेदार नागरिक बने,
सच्चाई और ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्र को विश्व पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर शक्ति एवं साधक भूमिका निभाए। मेरी शुभकामना है कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध कार्य की मौलिकता एवं नवीनता तथा सृजनात्मक मेधा एवं ऊर्जा निरंतर प्रगतिमान हो तथा ज्ञान विज्ञान की प्रखर रश्मियों से विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सदैव आलोकित होते रहें। मैं एक बार पुनः उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूँ। अभी आदरणीय गर्ग जी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय को और उच्चीकरण करने के लिए, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और भी जो आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार प्राणपण से जुट करके आगे बढ़ाने में लगी हुई है। ये निश्चित रूप से भविष्य में हमें एक नई दिशा प्रदान करेगा। ऐसा शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत जयते रामानंद विश्वविद्यालय, इसका लगातार उन्नति होती जाए, उन्नत होती जाए, इस कामना के साथ अभी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।